दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बैनामा कर देता है किसी लैंड को, प्लाट को, एग्रीकल्चर लैंड है, प्लाट है या और किसी प्रकार की कोई लैंड है, भूमि है, उसका आपको या आपके पूर्वजों में किसी को कोई बैनामा कर देता है, हो जाता है, और बाई दफे कभी ऐसा होता है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है या दाखिल खारिज हो भी गया है, तो उसी व्यक्ति ने या उसके नीचे उसके वंशज ने, जैसे पिता ने आपके पिता को किया था और उसके पुत्र ने, जिसके पिता ने बैनामा किया था, उसके पुत्र ने किसी तीसरे व्यक्ति को उसी जगह का फिर बैनामा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में ये तो सभी जानते हैं समाज में कि बैनामा जो बाद में किया गया है वो वैलिड नहीं होता है, वो विधिपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर वो बैनामा बना रहा तो आपको समस्या उत्पन्न करेगा। कैसे करेगा वो? ऐसे करेगा, अगर किसी व्यक्ति ने बैनामा पहले कर दिया था और उसका आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति के नीचे श्रेणी के वंशजों ने या उसी व्यक्ति ने कुछ समय बाद किसी व्यक्ति को, चूंकि उसने देखा कि आपका खतौनी में नाम है, उसने कहा कि इस जमीन को बेचेंगे तो नहीं, उन्होंने कहा बेच देंगे, तो औने पौने दामों में उसने उसको फिर बेच दिया और पैसा ले लिया, बैनामा बना रहा, तो उस बैनामे का दाखिल खारिज जब वो कराने जाएगा तब आपको समस्या उत्पन्न होगी, आप उसमें ऑब्जेक्शन करेंगे या आपको ना पता चला तो वो दाखिल खारिज भी करा लेगा। जब वो व्यक्ति दाखिल खारिज करा लेगा, भले ही कब्जा आपका है, तब वो व्यक्ति उस जगह पर लोन ले सकता है। लोन लेने के अलावा अगर वो जगह कभी भी कहीं गवर्नमेंट ने एक्वायर की तो उस व्यक्ति का नाम उस एक्वायर की लिस्ट में आएगा और उसको मुआवजा मिल जाएगा। जमीन आपकी है, बैनामा आपके पास है, पहले से है, मुआवजा वो ले लेगा। और ये क्यों ऐसा होगा दोस्तों? जिस चीज पर आप ध्यान देना बंद कर देंगे, ये इस बात को याद करके रखना, जिस जिस वस्तु पर आप ध्यान देना बंद कर देंगे वो व्यक्ति आपको बहुत परेशान करेगी बाद में। उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसमें देखो पैसा दूसरा ले जा रहा है, प्रॉपर्टी आपकी है, आपको समस्या खड़ी हुई। इसलिए आप कोई भी चीज देख लें, आप अपने बच्चों को देखें, आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बिगड़ जाएंगे, जिस चीज पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आपकी कमी है, मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम लोग अपने आप में सुधार करेंगे तभी तो आगे देश बढ़ेगा, आपकी संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। देश कब सुरक्षित रहेगा? जब आप अपना शरीर, अपना जीवन और अपनी संपत्ति सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य तो यही है। मैं अगर कभी डांटता भी हूं तो उद्देश्य ऐसा नहीं कि मैं आपसे चिढ़ता हूं या आप लोगों को कोई गलत राय दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य तो यही है कि और फिर कब सीखेंगे। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, किसी की संपत्ति है, कोई दूसरा बैनामा कराए ले जा रहा है, आप फिर मुकदमे लड़िए। तो पहले से ही स्ट्रिक्ट रहिए। पहले से स्ट्रिक्ट रहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई ऐसी लैंड है जिसका आपके पक्ष में बैनामा है, आपके पूर्वजों का है, और आपका नाम उसमें नहीं है, म्यूटेशन में, दाखिल खारिज, खतौनी में, तो उसमें नाम कराने के लिए आप पहले से ही एक्टिव हो जाइए। क्यों एक्टिव हो जाइए? नहीं तो उसमें जिसका नाम है उसके वारिस अपना नाम दर्ज करा लेंगे और उस जमीन को बेच देंगे। क्यों बेच देंगे? अगर वो नहीं बेचते हैं तो ऐसे भू माफिया किस्म के लोग, प्रॉपर्टी डीलर, क्योंकि इस समय समाज में, और वो बात भी मैं बता दूं, क्योंकि समाज में फर्जी जमीनें कैसे पहले बिकती हैं उसमें एक अर्थशास्त्र का फार्मूला है। दोस्तों मैं इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री प्राप्त है मुझे, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये एक ऐसा फंडामेंटल फार्मूला है, अभी आप सुनेंगे तो आप खुद मानने लगेंगे। हाँ, जैसे आपके जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, उन रुपयों में कुछ ऐसे नोट हैं दो जो फटे हुए हैं, उनमें टेप लगा है, आपकी जानकारी में है, तो जब आप कभी कोई सामान खरीदेंगे, ये ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर इसीलिए अर्थशास्त्र का सिद्धांत बनाया गया। तो जब भी आप सामान खरीदने जाएंगे मार्केट में तो सबसे पहले आप कौन सा नोट देंगे? आप अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए कि सबसे पहले बाजार में आप कौन सा नोट चलाएंगे? आपके पास 10,000 रुपए हैं, उनमें से दो नोट फटे हुए हैं, सबसे पहले आप वही खर्च करेंगे ना। इसी तरीके से समाज में ये अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो भी खराब चीज, खोटा सिक्का होता है, वो बाजार में आगे आगे घूमता है। अभी आप जाएं मार्केट में, कहीं पूछें कि कोई जमीन बिका हुआ, जो भी प्लाट विवादित होगा, पिता या कोई पुत्र का विवाद है या और कोई मुकदमा चल रहा है, वही होगा, ये बिका हुआ ले लियो। आप पूछे कितने का, वो कहेगा इतने का,
आपको इतने के दे दो, कहेगा भैया ले लियो भी, कल बैनामा करा लियो। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे परेशान होंगे ना। अगर इस समाज में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हैं उनको लोग लेना बंद कर दें तो लोगों की प्रॉपर्टी का आधा मसला सही हो जाए। हम ही आप में कमी है। जब हम जानबूझ करके डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेंगे तो उसमें, और सस्ती के चक्कर में, तो उसमें हम अपना समय भी जाया करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, और हो सकता है प्रॉपर्टी भी ना मिले, क्योंकि हम उस परिस्थितियों से उतने वाकिफ नहीं होंगे जितना वो वाकिफ है, क्योंकि उसने आपको बेच दिया है। जब वो हार गया तभी उसने बेचा है। तो दोस्तों, उल्टे सीधे प्लाट, उल्टे सीधी प्रॉपर्टी सबसे पहले बिक्री के लिए आती है कि ये बिका हुआ है इसको ले लो। और आप, चूंकि आपके पास पैसा है, आप चाहते हैं कि कुछ हमारी प्रॉपर्टी बन जाए, हमारे खेत के बगल में है या और भी कुछ इस तरीके से है, मैं नजदीक रहेगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी लेते समय बहुत ध्यान पूर्वक उन चीजों को देख लें, समझ लें। तो अगर आपका बैनामा पहले से है और उसी लैंड का किसी ने बैनामा कर दिया है, तो दोस्तों उसको कतई हल्के में ना लें। आप जो बाद में बैनामा हुआ है उसको निरस्त कराए जाने के लिए एक सिविल सूट दाखिल करें। सिविल सूट के अलावा, सिविल कोर्ट के अलावा बैनामा कभी निरस्त नहीं होता है। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर, काफी लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, मैंने भी देखा, थंबनेल आ गई कि वहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में करा ले। उनको पावर नहीं है, वो केवल बैनामा कर सकते हैं, निरस्त नहीं कर सकते। निरस्त करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 है, जो सिविल कोर्ट को ये अधिकार देती है कि वो अगर संविदा की जो शर्तें हैं वो पूर्ण नहीं है तो उनके आधार पर उस बैनामे को निरस्त कर देंगे। इसमें संविदा की शर्तें पूर्ण क्यों नहीं होंगी? क्योंकि एक बार विक्रय पत्र निष्पादित किया जा चुका है, उसका प्रतिफल लिया जा चुका है, कब्जा भी ट्रांसफर किया जा चुका है। तो जब दोबारा वही विक्रय पत्र बनेगा तो उसका सबसे पहले टाइटल नहीं था, उसको कोई राइट नहीं अराइज हुआ। नंबर दो, उसका पजेशन नहीं था, तो कब्जे के अभाव में वो विक्रय पत्र शून्य हो गया। तीसरा, जो प्रतिफल अगर लिया भी गया है तो वो छद्म प्रतिफल है, जब आपकी कोई संपत्ति है ही नहीं तो बेच कैसे सकते हैं। और ऐसे मामलों में अगर सेम पर्सन ने ही बैनामा किया है तो उन पर 420, 467, 468, 471 IPC में जो नई धाराएं आई हैं BNS में, उन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराइए। और ऐसा मुकदमा थाने से नहीं लिखा जाता है, ज्यादातर मना कर देते हैं, तो आप न्यायालय से 156(3) में जो नई धारा आई है BNS में, उसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर के मुकदमा दर्ज कराइए। तो जब मुकदमा दर्ज करा देंगे, किसी आदमी ने गलत काम किया है, तब उसको एहसास होगा। जब पुलिस उसको ढूंढेगी और कोर्ट से वारंट जारी हो जाएगा, फिर वो पकड़ करके जेल भी जाएगा, जमानत कराएगा, पैसे खर्च करेगा, तो उसे लगेगा हमने गलत किया है। अभी लोग क्या करते हैं, बैनामा कर दिया और फिर दोबारा कर दिया, पैसा ले लिया, कहते हैं मुकदमा चलता रहेगा, लड़ लेंगे, वकील साहब को 10-20 हजार रुपए दे दिए, मुकदमा चलता रहा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेल नहीं मिलेगी, आदमी जेल चला जाएगा। बेल तभी मिलती है जब कहीं कोई लूज होल हो, संदिग्ध हो, आपका अगर जो भी एक्ट है वो प्रमाणित हो रहा है आपके आचरण से, बेल नहीं मिलती है। कई ऐसे मुकदमे जिनमें बेल नहीं मिली है, सीधे सजा का ही प्रोविजन है। आप फिर चाहे जितना प्रयास करें, तो दोस्तों ज्यादा होशियार चालाक बनने के बजाय, अगर आपने कोई बैनामा करा लिया था और उसी संपत्ति का कोई बैनामा कर दिया है किसी ने, तो उसको तत्काल निरस्त कराए जाने का सिविल सूट दाखिल करें, और उसमें परमानेंट इंजेम्पशन भी करवा दें कि इनको रोक दिया जाए, नहीं तो जो तीसरा व्यक्ति है जिसने बैनामा कराया है वो भी उसको बेच देगा, क्योंकि ये तो ऐसी बाल है कि जो अपने हाथ में आई तो हमने दूसरे को दे दी, तीसरे को दे दी, आप लड़ते रहिए। तो जब उस पर स्टे करा देंगे तो उसकी बिक्री फिर नहीं होगी, फिर उसको निरस्त भी करा दें, समय लगता है। अब चूंकि आपकी ही गलती है, मान लेते हैं आपका दाखिल खारिज हो गया, कंप्लीट है, तब तो नहीं बेच पाएगा, नहीं बेचेगा, फिर भी बेच देता है तो उस पर जल्दी प्रोसीडिंग हो जाएगी। तो अपनी संपत्ति खरीदते समय सब डॉक्यूमेंट, अपना समय निकाल करके या किसी को हायर करके ये सब करा लें, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, तो इससे नुकसान किसका होगा, आप ही सोचिए। आपके बच्चे, जिनको बेचारों को ऐसा काम करना चाहिए ताकि पढ़ लिख के कुछ बने, वो उन्हीं मुकदमेबाजी में फंसेंगे, चूंकि आप ऐसा काम ही करके जा रहे हैं। इसलिए मेरी राय है कि अपने संपत्ति संबंधित जो भी विवाद हैं अपने रहते ही निपटा लें, और जब ऐसा कोई मुकदमा हो जाएगा जिसमें कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड आएगा और वो डीड कैंसिल हो जाएगी, तब उन दोनों को एहसास होगा। फिर वो कहेंगे, वो अपील करते रहेंगे हाई कोर्ट, ऐसा नहीं, जब आप मजबूती से खड़े होंगे तो इतना बढ़िया ऑर्डर होगा कि उसकी अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी और सेकेंड अपील भी रिजेक्ट हो जाएगी, आपका फाइनल हो गया। दोस्तों, जब आप कमियां करते हैं तभी आपके मामलों में डिले होता है, ये मेरा मानना है।
आप कमियां करते हैं, माने उस बात पर आप ध्यान नहीं देते हैं, 20 साल 30 साल बाद आपके बच्चे कहते हैं कि पिताजी ने जमीन ली थी, दाखिल खारिज नहीं, क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, जो गलतियां हो गई जब जागो तभी सवेरा, तो अब से इस तरीके का कोई आचरण मुझे लगता है करना नहीं चाहिए। बाकी तो मैं राय ही दे सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं करा सकता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक भेजें। नमस्कार।